बेटा, मेरे बनीसा मेरे बारे में सोच रहे, बच्चे मेरे पास आ जा, मेरी लाडली तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के बेटा, आ जा मेरे बच्चे मेरे पास आ जा बनीसा। लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्या कहेंगे? मेरे बच्चे जल्दी से मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं, मेरे बच्चे मुझे दे दीजिए। कब से लापता है? वो सुबह से लापता है जी। कितनी उम्र है उसकी? 15 साल। तो यही तस्वीर है आप दिखाएंगे? वो तस्वीर? हाँ जी, ये तस्वीर है। लोगों से हाथ जोड़ के क्या अपील करना है? मैं ये अपील करूंगी, मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी वापिस आ जाए, जल्दी से जल्दी ढूंढे मेरे बच्चे को। तो काफी दुखी है, आप देख सकते हैं मनीषा की तस्वीर, आप देख सकते हैं किस तरह से माँ हो गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इस परिवार की मदद करें ताकि इनकी ये फूल सी बच्ची वापस इनके बीच में लौट कर आए। उनकी माँ लोगों से अपील कर रही है कि उनकी बच्ची को ढूंढने में मदद करें। बहन जी, लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि बच्ची आपकी जल्द से जल्द वापस आए? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जहाँ भी कहीं मेरी बच्ची मुझे वापस आ जाए, जिसके पास भी होगी मेरे ठीक ठाक मेरे घर पहुँचा दे, कहीं किसी को भी मिलती हो मेरी बच्ची मुझे मेरे पास पहुँचा दे। कब से ढूंढ रहे हैं आप? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, 4 बजे के निकल रहे जी हम घर से। उनके पिता हैं आप, क्या बताना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे अपनी बच्ची के बारे में? बस मेरी लड़की मुझे मिलनी चाहिए जी सर, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। कब से आप ढूंढ रहे हैं बच्ची को? 4 बजे से जी, मैं 4 बजे दूध काटने निकला तो खाट पे नहीं थी वो। आप देख सकते हैं करनाल के पृथ्वी विहार की रहने वाली मनीषा, जो महज 15 से 16 साल की उसकी उम्र है, उनके भाई, उनकी माताजी, उनके पिता किस तरह से उसकी तस्वीर हाथ में लेकर रो रोकर लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची को ढूंढने में मदद करें। इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है। ये बच्ची अब करनाल में है या कहां पर है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि इन तमाम परिवार के लिए, इस बच्ची के लिए, इस मनीषा को ढूंढना है ताकि जल्द से जल्द जो है लोग इस बच्ची के बारे में अगर कोई भी जानकारी जाते हैं। बहन जी, अब हौसला रखें, पक्का विश्वास है कि आपकी बच्ची जल्द से जल्द लौट कर आएगी, हमें पक्का विश्वास है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। पहले भी ऐसे बहुत से बच्चों को जो है मिलवाया है। किसी पर शक है कुछ आपको? जी, मुझे फूसगढ़ के लड़के पे शक है जी। उसका नाम है जी, वही गली के चक्कर काटक रहता है यहाँ से। क्या नाम है भाई? केडी नाम है। तो पुलिस में शिकायत दे दी? हाँ जी, पुलिस में शिकायत दी, रिपोर्ट भी लिखवा दी। तो बच्ची अगर ये वीडियो देख रही है, बच्ची से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने बेटे से यही बात कहती हूँ, बच्चा मेरे बारे में सोच रही, पापा के बारे में सोच रही बेटी, आज हम अनिशन नहीं रह सकती बेटे तेरे बिना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। मनीषा की तस्वीर गौर से देख लीजिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बच्ची को ढूंढने में मदद करें। किस तरह से पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। आजा मेरी बच्ची, मुझे लौट के आजा बेटे। अरे मेरे बच्ची मन्ने तो सगुला कर दिया था, तो मुझे छोड़ के चली गई। सेक्टर 32-33 थाना में परिवार ने शिकायत दी हुई है, और हमें पक्का विश्वास है कि परिवार का ये रोना देखकर आप लोग इन परिवार की मदद जरूर करेंगे और इस बच्ची को, जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल की है, छोटे भाई की आंखों में आंसू देख सकते हैं किस तरह से, जो उनका भाई है, छोटा भाई है, वो भी रोता हुआ नजर आ रहा है और वो भी अपील कर रहा है कि उनकी बहन को ढूंढने में मदद की जा सके। उनकी माँ का रो रोकर बुरा हाल है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि मनीषा की तस्वीर आप देख सकते हैं उनके पिता के हाथ में, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी बच्ची को ढूंढने में मदद करें। आपका एक शेयर इस मनीषा को ढूंढने में मदद कर सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तुरंत इस वीडियो को शेयर करें, और जिस किसी को अगर मनीषा के बारे में, 15 से 16 साल की है, बच्ची सी है, फूल सी बच्ची जो अपने माँ बाप से बिछुड़ चुकी है, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में कहाँ चली गई है, जब परिवार के लोग सुबह 4-4:30 बजे उठे, उसके बाद जो है मनीषा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द मनीषा के बारे में कोई जानकारी मिलेगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं मनीषा की है, महज 15 से 16 साल की बच्ची है, और हमें पक्का विश्वास है कि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, आपके शेयर में बहुत ताकत है, और आपके एक शेयर की मदद से इस बच्ची का जल्द से जल्द पता चलेगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मनीषा की तस्वीर है जो उनके भाई ने पकड़ी हुई है, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उनकी मदर लगातार लोगों से अपील कर रही है, उनके पिता रो रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? पुलिस में आपने शिकायत दी है?
हाँ जी शिकायत की है पुलिस ने। मेरे को शक है ना, वो लड़का अपने घर है, उसको क्यों नहीं उठाया पुलिस वालों ने, जिसको मुझे शक है। वो रोज चक्कर काटता था गली में, रोज ही काटता था वो गली में चक्कर। अभी मैं सुबह उसके घर गई, इनको जो तेरे पे उत्ता कर ले। चारों तरफ उनका ग्रुप है, नाम चलता है, बदमाशी कर रहे हैं। हम सवेरे पूछने गए, सवेरे लड़के बटले कर लिया। ऐसे हमने उनसे इतना प्यार से पूछा, मैं हमारी सिस्टर के बारे में बता दे। अगले लड़के बटले कर ले, जैसे हम उन पे हमला करने आए, वो हमारे पे ऐसे उतर आया, पूरा गली हमारे पे ऐसे पीछे बढ़ गई। बताओ अगर हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो कितने बजे अचानक जो है आपकी बहन जो है अचानक घर से लापता हुई है? मैं बाहर ड्यूटी करता हूँ जी, ठीक है। मैं सवेरे 5 बजे मम्मी का फोन आया, अगर मनीषा नहीं मिल रही, तो मैं पानीपत ड्यूटी पे लग रहा हूँ। तो मैं सवेरे 6 बजे करनाल पहुँच चुका था उस वक्त, जब से 6 बजे से लेके इव लग के मुझे 3 बज गए हैं, पर कहीं भी मेरी बहन का कोई पता नहीं है। मैंने पूरा बिल्कुल, अगर किसी को भी आप तस्वीर देख सकते हैं मनीषा की, तस्वीर आप गौर से देख लीजिए। आपके एक शेयर की मदद से इस मनीषा के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जा सकती है। महज 15 साल की बच्ची, 15 से 16 साल की बच्ची है, नाबालिग बच्ची है। इस बच्ची को जल्द से जल्द आना है। उनकी माँ लगातार लोगों से अपील कर रही है कि इनकी बच्ची को ढूंढने में मदद करे। हमें पक्का विश्वास है कि इस माँ का दर्द जो है इस बच्ची को कहीं ना कहीं वापिस ला पाने में मदद करेगा। माँ का अपने आप में जो है बच्ची को वापस ला पाने में मदद करेगा। अगर बच्ची भी यह तस्वीर देख रही है, तो हमारी अपील है कि बच्ची जहां भी आप हो, किसी के भी अगर आप बहलाए फुसलाए में अगर आप आए हो, जल्द से जल्द आप वापस लौटें, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि आप अपनी मदर की यह हालत देखकर, अपने छोटे भाई की हालत देखकर जल्द से जल्द वापिस लौटोगे। मनीषा मिल जाएगी, हमें पक्का विश्वास है। बहन जी आप भी थोड़ा हौसला रखें, आप हमें पक्का विश्वास है कि मनीषा जल्द से जल्द मिल जाएगी। मुझे आप पे विश्वास है, मेरी बच्ची को ढूंढ लेंगे सर, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला, मेरी बच्ची को ढूंढ कर। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार की आंखें नम है, तमाम लोग काफी दुखी है। मनीषा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीषा जो महज 15 से 16 साल की बच्ची है, अचानक घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है। उनके छोटे भाई हैं, उनकी माँ है, लगातार लोगों से अपील कर रही है, और हमें पक्का विश्वास है भगवान जल्द करेगा कि उनकी जो बेटी है दोबारा से इनकी माँ की गोद में जरूर लौटे। महज 15 साल की बच्ची क्या होती है, अगर कोई इसको बहला फुसला कर भी ले गया है, तब भी जल्द से जल्द इस बच्ची का पता चलना चाहिए। उनके पिता भी लोगों से अपील कर रहे हैं। बहुजी कितने बजे आप सोए हुए थे, कितने बजे जो है बेटी घर से गई? चार बजे दूध निकालता हूँ, 4 बजे मैं 4:15 बजे उठा था, वो खाट पे नहीं मिली सर। मैंने तभी इनको उठाया, सारों को मकम्मली सा घर पे नहीं आया, कहले कभी घूमने निकल गई हो, तो सिटी में देखा तो सिटी में नहीं मिली। मैं दूध निकालने लगा, इसकी मम्मी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे चले गए देखने, सिटी में मिली नहीं, कल गए मिली नहीं। मैं कहा फिर मनीषा कहाँ चली, जब से हम ढूंढ ही रहे हैं सर, तब से ढूंढ रहे हैं। बहन जी उनकी किसी सहेलियों से, अपने दोस्तों से बात करिए। मैं बस स्टैंड में सारे में घूम ढूंढा, रेलवे स्टेशन स्टेशन जहाँ जहाँ मेरा वो था, मैं सारे में ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली। बच्ची कहाँ पढ़ती थी अभी? सुबह से लापता है तो दोस्तों से सभी से पता कर लिया, फोन वगैरह घर का कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे मेरी बच्ची कुछ नहीं लेके गई, कुछ नहीं लेके गई। तो सुबह से लापता है तो पुलिस वालों से कुछ, पुलिस के बड़े अधिकारियों से अपील करेंगे कुछ? मैं तो यही बात करूँ, सरकार मेरे बच्चे को लौटा दे, बस मेरी बच्ची मुझे दे दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, मेरी एक ही बच्ची है, मुझे मेरी बच्ची दे दो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी अपनी बच्ची के बिना। मेरे तो वही जीने का सारा है, और भी बच्चे हैं, पर मेरी तो वो लाड लिया, मेरे दिल की धड़कन है वो दिल, मैं उसके लिए मर जाऊंगी अगर मेरी बच्ची नहीं मिली तो। मेरी एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, पिता का दर्द समझ सकते हैं, और हमें पक्का विश्वास है कि आपका एक शेयर इस बच्ची को ढूंढ पाने में कहीं ना कहीं बहुत ही कामयाब साबित होगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। हालांकि सेक्टर 32-33 पुलिस थाना के SHO से हमारी सुबह बात हो गई थी, उनका कहना है कि परिवार की शिकायत लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार दोबारा से हम जो थाना के SHO हैं, दोबारा से उनसे बातचीत करेंगे, ताकि ये जो बच्ची है जल्द से जल्द अपनी माँ के पास आ जाए। आप देख सकते हैं कि माँ बाप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर बच्ची के बारे में अगर किसी को भी कोई जानकारी मिलती है, तो मनीषा को ढूंढने में वे मदद करे। आपका एक शेयर इस बच्ची को ढूंढने में मदद कर सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। मनीषा
इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज से, करनाल के पृथ्वी विहार से। जी हाँ, इस वक्त आप ये पिक्चर देख रहे हैं 15 साल की मनीषा। जी हाँ, 15 साल की मनीषा जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हो चुकी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उनकी माता, उनके पिता, उनके भाई, पूरे घर में दुख का माहौल छाया हुआ है। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई है। उनका कहना है सुबह 4 बजे ही वो देखी ही नहीं घर पर, और उनको शक भी है फूसगढ़ के एक लड़के पर। उन्होंने रिपोर्ट भी करवा दी है पुलिस में। लड़के का नाम भी बताया जा रहा है टेडी ठाकुर। इनको पूरा शक है कि उस लड़के पर शक है। पता नहीं शायद कोई बहलाव उस लाकर ले गया है, क्या बात है। लेकिन घर वालों को बहुत ही रो रो कर बुरा हाल है। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इनकी लड़की जो कि महज सिर्फ 15 साल की है वो वापस अपने घर पर लौट सके। क्योंकि 15 साल एक बहुत ही छोटी सी उम्र है। आप लोगों से अपील रहेगी जितना आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, एक शेयर से भी आपकी एक शेयर से हो सकता है कि वो अच्छी घर पर वापिस आ जाए। क्योंकि सिर्फ महज 15 साल की थी। आप लोगों ने पिक्चर देखी, मनीषा नाम है लड़की का, और आप देख सकते हैं उनकी माता का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता, उनके भाई, सब लोगों का बुरा हाल है। पृथ्वी विहार है ये, करनाल का पृथ्वी विहार। हम उनके भाई से बात करना चाहते हैं कि कैसे किस समय ऐसा हुआ और क्या है जानकारी कुछ। सवेरे से 4 बजे तक गायब हुई थी जी वो, और तो मैं पानी पर ड्यूटी करता हूँ बाहर, तो मेरे को मम्मी को सवेरे 5:30 बजे फ़ोन आया। मैं 6:30 बजे करनाल पहुंचा, तो उसके बाद 6:30 बजे के बाद इवलो टाइम हो लिया। मुझे 3 बजे ने कहा पर ढूंढने थे, मिल नहीं रही है वो। और जहाँ तक हमें जिस लड़के पर हमें शक है, उस लड़के हम घर गए थे, उससे प्यार से बात भी की, तो उसने तो एरिया के जो 4-5, 10-15 बाड़ा को बठले कर लेता है कि भाई जो तुम्हारे पे होता वो कर लो, ठीक है। अब हम लोग गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका पुलिस से हमने सवेरे दरख्वास्त दी थी, ठीक, हमने दरख्वास्त दी थी। अब दरख्वास्त के बाद उन्होंने कहा भाई कार्रवाई शाम को करेंगे, पर फिलहाल जो लड़का है वो अपने घर बैठा है। हमें हमारी बहन का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या आपने कुछ रिश्तेदारों या उसके फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछे, कहीं उनके पास तो नहीं है? उनके मैंने किया, हमने सुबह से मैं बाइक में सुबह से घूम रहा हूँ, मैं सबके पास जा रहा हूँ, पर कुछ नहीं आता पता है ना। सबके कह रहे बीमारी कोई ना, तो फ़ोन पर बात होती है ना, इंस्टाग्राम ना फेसबुक, किसी चीज़ पर भी उसकी कोई बात नहीं है। बाकी ये नहीं पता गई कहाँ है ना, अभी तक कोई आता पता नहीं है जी। बस मेरी हाथ जोड़ के लोगों से ये अपील है कि मेरी बहन अगर कहीं भी दिख जाए, मैं ये जोड़ के भाई मेरा घर करनाल शहर में पृथ्वी विहार में हूँ, रोहित मेरा नाम है, मैं करनाल शहर का रहने वाला हूँ। अगर मेरी बहन दिख जाए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर बताएं। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट किया, तो पुलिस वालों का क्या कहना है? मेरी हमारी बात हुई थी सुबह, तो कह रहे भाई पर्दा दर्ज करके इनसे शाम को कार्रवाई करेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग पर लास्ट बार कहाँ कहाँ फ़ोन आए हैं, किस किस पे फ़ोन किए गए हैं, तो वो लास्ट को कह रहे भाई शाम को फ़ोन डिटेल आ जाएगी, तो जब बता देंगे। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उनके पूरे घर वालों का बुरा हाल हुआ है। सोशल मीडिया में आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत है आपके एक शेयर से। जी हाँ, एक शेयर से हो सकता है कि वो बच्ची अपने घर को वापस लौट आए। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो 15 साल की महज मनीषा अपने घर पर वापस लौट सके। घर वालों की आप लोग देख सकते हैं हालत ख़राब हो रही है, उनकी माँ की रो रो कर बुरी हालत है, उनके पिता की भी हालत ख़राब हो रही है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्ची अपने घर वापस लौट सके। कहा जा रहा है सुबह 4 बजे से ही वो घर पर नहीं मिली है, और इन्हें फूसगढ़ के एक लड़के पर भी शक है। पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी गई है। तो बस आप ही, बाकी आप लोगों पर भी निर्भर करता है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उस बच्ची को उनसे इनके घर वालों से मिलवाएं। महज 15 साल की मनीषा थी, और उसके उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरा उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स वगैरह में हर जगह फ़ोन करके भी पता कर लिया, कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन अभी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस में भी रिपोर्ट करवा दी जा रही है, कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द मनीषा को ढूंढ लिया जा सके। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे रो रो कर घर वालों का बुरा हाल हुआ है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देख रहे हैं, अभी तक बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। सचो को दोबारा से एक बार हम लाइव में जोड़ना चाहेंगे, ताकि उनके माँ बाप की तबीयत खराब हो रही है, बच्ची को जल्द से जल्द सकुशल लाना है। हमारी आप सभी, हाँ एसएचओ साहब नमस्कार। सर हम ना पृथ्वी विहार आए हुए थे, और इस समय लाइव में ही हैं, एक बार आपसे बात करना चाहेंगे लाइव में। तो उस बच्ची के घर आए हुए थे, उनके ना माँ बाप काफी दुखी हैं, कुछ पता चल पाया जो मनीषा लापता हुई है? लड़की का? हाँ जो, हाँ पृथ्वी विहार से जो लड़की है वो लापता हुई है, उसका पता चल पाया कुछ? इस समय लाइव ही कर रहे हैं हम सर, यहीं पे खड़े लाइव में ही हैं आप भी। सर
सर अभी तो हम ना उसके पत्र करके अभी उसकी जो फोन की डिटेल है ना वगैरह जी जी वो ले रहे हैं, कहाँ कहाँ किससे बात कर रही थी। ठीक है जी, और एक शक जाहिर कर रहे हैं, फूसगढ़ का कोई लड़का बता रहे हैं, तो उससे भी पूछताछ हुई सर कोई? कर रहे हैं अभी ना, कर रहे हैं, मेरी जैसे इन्होंने बताया ना इसके शक है। जी जी, जिस लड़के का नाम शक है ना, उससे उसके लिए अभी भेज दो मैं। ठीक है जी, हाँ थोड़ा समय चाहिए हमारे। ठीक है जी, चलो ऐसे छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्लीज जरा जल्दी पता कराएं, क्योंकि ना माँ बाप की बहुत रो रोकर बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ हुआ है। जरूर सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना के SHO थे, जिनको करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने लाइव पर लिया है, क्योंकि अंदर उनके पिता जो है बेहोश हो गए थे। हालांकि वे सही हैं, एक दुख होता है परिवार को जिनके घर की एक घर की बच्ची, जो मासूम सी फूल सी बच्ची, जिसकी तस्वीर हमने आपको बार बार दिखाई, और हमें पक्का विश्वास है उनकी मदर हमारे साथ मौजूद है। बहन जी आप हौसला रखिए, SHO ने आश्वासन दिया है, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी सारी टीमें लगी हुई हैं, आपकी बच्ची जल्द से जल्द सकुशल लौट कर आएगी। मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हौसला रखिए, जल्द से जल्द आपकी बच्ची आएगी, आप हौसला रखिए। आप फोटो दिखाना एक बार सर मनीषा की, तो बिल्कुल मनीषा की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। इस समय उनके भाई हैं, उनसे उनका नंबर जानना चाहेंगे, आपका नंबर क्या है, ताकि कोई अगर लोग मनीषा के बारे में जाने तो आपसे संपर्क करें। मेरा नंबर 9306260898 नंबर है, मेरा नाम रोहित है। अगर किसी को भी मेरी बहन का पता लगता है, मेरी बहन की तस्वीर एक बार आप गौर से देख लीजिए, मेरे इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, मैं 24 घंटे मेरा नंबर इसी नाम का ऑन है, बाकी मैं फिलहाल अपना नंबर ऑन नहीं करता, पर फिर भी मेरी बहन लापता है। नंबर एक बार दोबारा बताएं। मेरा नंबर 9306260898 और मेरे डैडी का नंबर है 8607708952। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के, मेरी बहन की तस्वीर है, एक बार आप गौर से देख लीजिए, और इन दोनों नंबर पे अगर मिले तो मेरी मेरे को प्लीज एक बार फोन। तो बिल्कुल जल्द से जल्द हमें उम्मीद है कि मनीषा को ढूंढना है, करनाल की बेटी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। SHO सेक्टर 32-33 थाना के जो SHO है उनसे हमारी दो बार बात हो चुकी है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द वे इनकी बच्ची को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। फूसगढ़ का रहने वाला कोई लड़का है, उस पर इन्होंने शक जाहिर किया है, तो हमें पक्का विश्वास है कि इस बच्ची को ढूंढना है। तमाम आस पड़ोस के लोग आप देख सकते हैं काफी ज्यादा दुखी है, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इनकी बच्ची जल्द से जल्द वापस आए। क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे बच्ची को ढूंढने में लोग मदद करें? जरूर करेंगे जी, जरूर मदद करेंगे। काफी परेशान हो रहे हैं जी पूरे? जी हाँ, परेशान है बेचारे। तो बिल्कुल काफी ज्यादा परेशानी में है, तमाम इलाके के लोग जो है काफी ज्यादा दुखी हैं, और हमें पक्का विश्वास है कि इनके परिवार की जो बच्ची है मनीषा, जिसका नाम है, महज 15 से 16 साल उसकी उम्र है, वो जल्द से जल्द वापस आएगी। जिस किसी को मनीषा के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकता है, 9812001353, हमारे मोबाइल नंबर पर भी वह किसी समय संपर्क कर सकता है, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो। तुरंत इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस मासूम सी दिखने वाली बच्ची के बारे में जल्द से जल्द कोई जानकारी जुटाई जा सके। महज 14-15 साल की ये बच्ची मनीषा, जिसका नाम है, हमें पक्का विश्वास है, SHO से हमारी बात हो गई है, वो जल्द से जल्द इस बच्ची को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी माँ के हाथों में उसकी बच्ची की तस्वीर है, और वो लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अपील कर रही है ताकि उनकी बच्ची को ढूंढने में मदद करें। हमें पक्का विश्वास है कि उनकी बच्ची जल्द से जल्द ढूंढी जाएगी, और जिस किसी को अगर उनकी बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी होती है हमारे मोबाइल नंबर पर भी वह जानकारी दे सकता है, अन्यथा सेक्टर 32 थाना SHO का नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 972-999-0744, ये SHO सेक्टर 32 थाना के SHO का नंबर है, और इस समय उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है। उनकी तस्वीर हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर कहीं भी आपको रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, या कहीं भी अगर मनीषा की तस्वीर आप गौर से देख लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, ताकि बच्ची के बारे में अगर कोई भी जानकारी आपके पास लगती है तो वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मनीषा की तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पृथ्वी विहार से, जहां पर एक 15 साल की लड़की मनीषा जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है, और हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो कहीं आसपास हो, अगर किसी ने भी देखी हो तो इस फोटो को देख के वो आप उनके घर वालों का नंबर है, उनके घर वालों का नंबर है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने भी आपको अपना नंबर बताया, या फिर SHO का, किसी का भी अगर आप कहीं भी दिखती है तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो और बता सकते हैं उनकी बच्ची कहाँ पर है, चाहे
रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड या कहीं भी आपने इधर उधर कहीं बाजार में कहीं भी देखा हो तो आप इस फोटो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी दिखती है मनीषा ये 15 साल की लड़की है तो आप जल्द से जल्द हमें कॉन्टैक्ट कीजिए या उसके घर वालों को या फिर SHO को। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आप इनकी माँ देख सकते हैं, इन सबका माँ का पिता का भाई का सबका रो रो कर बुरा हाल हुआ हुआ है। आपके एक शेयर से इनकी बच्ची इनके घर को वापस लौट सकती है। और जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि पुलिस में भी कंप्लेंट की जा चुकी है, SHO से भी हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जा रही है। और इन्होंने बताया है कि एक लड़के पर भी इनको शक है, फूसगढ़ का एक लड़का है उस पर भी शक है, जो कि पुलिस को सब बताया जा चुका है। बाकी हम आप लोग भी हेल्प थोड़ी सी कर सकते हैं सिर्फ एक शेयर से। जी हाँ, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, शेयर करना है, और शायद आपके शेयर करने से आप कहीं भी अपने रिलेटिव्स को शेयर करेंगे, उन्होंने कहीं मनीषा को देखा हो तो वो जल्द से जल्द उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 15 साल की ये बच्ची मनीषा जो आज सुबह 4 बजे ही, आप ये तस्वीर एक बार गौर से देख लीजिए कि आज सुबह 4 बजे ही ये गायब हुई है घर से। पता नहीं शायद कोई बहलाव उसलाकर ले गया है या फिर कुछ भी बात है। अगर किसी को भी कहीं भी दिखती है ये किसी भी जगह पर करनाल में तो आप लोग इसको वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को आप इनके माँ बाप की दुख थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से कीर्ति कथूरिया के साथ।